हाय फेलो चैंगर्स। तो गाइस, जब से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का अर्ली एक्सेस रिलीज हुआ है, हम सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि कब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का फाइनल वर्जन एंड्रॉइड एंड आईओएस के लिए रिलीज होगा। एंड जब ये 17 को रिलीज हुआ था, हमें लगा था 24 आवर्स में शायद हमें फाइनल वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, और जो कि एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से ये डिले हो गया एंड अब 24 आ चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोगों को फाइनल वर्जन देखने के लिए नहीं मिला है। तो वो क्या रीजन है एंड हमें कब तक फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आज से हम लोग ऑफिशियली फेसबुक के ऊपर आ चुके हैं, जहां पे आपको कुछ स्पेशल वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी जो आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो प्लीज यार, वहां पे मुझे फॉलो कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। तो गाइस, पहले मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूं। आपको याद होगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का अर्ली एक्सेस हमें 17 को देखने के लिए मिला था, लेकिन जो हम क्रिएटर्स थे ना, हमें 16 को रात में बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, एंड इस वजह से 17 को आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्रिएटर्स ने बहुत ही जल्दी जल्दी सुबह सुबह वीडियो बना भी दी थी। लेकिन जब हमें क्राफ्टर ने अर्ली एक्सेस दिया था ना, उसके कुछ टाइम के बाद क्राफ्टर ने हमसे उसका फीडबैक भी लिया था रिलेटेड कि क्या क्या आपको गेम में इश्यूज आ रहे हैं, क्या आपको पिंग की प्रॉब्लम आ रही है वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उसके रिलेटेड हमने बताया ही था। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने भी उनको ये चीज बताई थी, थोड़ा पिंग का इश्यू है, गेम स्मूथ नहीं है, एंड एक दो और चीजें थी जो मुझे अभी याद नहीं है। एंड उसकी थोड़ी देर के बाद लगभग 12-1 बजे के आसपास तो पब्लिकली क्राफ्टर ने उसका अर्ली एक्सेस छोड़ दिया था, मतलब कोई भी जो भी बंदा चाहे उसको डाउनलोड कर सकता था। पहले दिन थोड़े से स्लॉट्स कम थे, लेकिन जो दूसरा दिन था तब तो बिल्कुल ही पब्लिक हो चुका था, हर एक बंदे ने उसको डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि क्राफ्टर ने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया था बायो में, क्योंकि उनके डिस्कॉर्ड पे, उनके वेबसाइट पे, हर जगह उन्होंने लिंक शेयर कर दिया था, जिससे बहुत ही मैसिव जो यूजर्स थे उसके ऊपर आ भी चुके हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, ये जो सारी की सारी चीजें, इवन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ऑफिशियल लॉन्च आईओएस और एंड्रॉइड के लिए जो डिले हो रहा है, वो भी हमारे ही बहुत ज्यादा फायदे के लिए है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये चीज खुद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वाले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर रहे हैं अपने नोटिस के अंदर, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। अगर आपने इनको पढ़ा है तो आपको पता लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कोई नोटिस पढ़ के नहीं आपको सुनाने लगा, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा आप लोगों को जाके। मैं जस्ट इनको समराइज करके आपको मेन चीज यहाँ पे बताता हूँ। अभी आज के टाइम पे भी जब अर्ली एक्सेस को रिलीज हुए, नियर अबाउट 7 दिन हो चुके हैं, अभी भी अगर आप लोग गेम को खोलते हो ना, तो आपको बहुत सारे ग्लिचेस और बग्स देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं है कि किसी घर के अंदर से हम लोग ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं या फिर जमीन के अंदर घुस रहे हैं, ये बहुत ही मेजर बग्स हैं। जैसे कि पिंग अनस्टेबल होना, बार बार पिंग बहुत ही हाई हो जाती है, इवन आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा भी है, जो लो एंड डिवाइसेज है उसके अंदर मैसिव लैग, बहुत ही ज्यादा लैग आ रहा है। अगर आपका बहुत ज्यादा लो एंड डिवाइस है ना, तो पबजी वर्ल्ड जो ग्लोबल है उसमें VPN लगा के भी खेलो ना, तो इतना लैग नहीं आ रहा जितना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में आ रहा है। जो मीडियम एंड हाई एंड डिवाइसेज है, उनके अंदर भी फ्रेम ड्रॉप होना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे के सारे जो बग्स है ना, ये कोई छोटे बग्स नहीं है कि अगर आप लोग ऑफिशियल लॉन्च करते हो एंड उसके बाद भी ये बग्स आते रहे तो लोग नहीं बोलेंगे, भाई बहुत ही लोग बोलेंगे। आप लोग खुद सोचो, अगर खुद ऑफिशियल लॉन्च हो चुका होता और आज भी ये बग्स आ रहे होते 7-8 दिनों के बाद, तो भाई गेम कितना ट्रोल होता और कितने सारे लोग बोलते। तो यही मेन रीजन था जिसकी वजह से क्राफ्ट ने अभी इसको अर्ली एक्सेस में रिलीज किया हुआ है, क्योंकि जितने भी बग्स आ रहे हैं अभी वो फिक्स करते जा रहे हैं। एंड ये चीज भी मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये चीज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखो, यहाँ पे इन्होंने खुद आर्टिकल्स चले हुए हैं कि जो जो मेन मेन बग्स हैं ये लोग उनको फिक्स कर रहे हैं। अब वो डाटा ट्रांसफर के लिए ले लो आप लोग, जो कि IGN का इतना बड़ा इशू अभी क्रिएट हुआ था। एंड अभी और भी एक बग था कि जैसे कि काफी प्लेयर्स मैप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, बताओ अगर गेम को हम लोग खोल रहे हो और मैप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो गेम खेलने का क्या मतलब, तो ये बग भी इन्होंने फिक्स कर दिया। एंड उसके रिलेटेड भी इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था। एंड यहाँ पे इंडिया के अंदर जो UC के प्राइसेस थे ना, इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही हाई रखे थे, मतलब थोड़ा लगभग 100-100 रुपए का फर्क था हर किसी में, एंड थोड़ा ज्यादा भी था कुछ के अंदर, अभी मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो जब इन्होंने देखा कि उसके रिलेटेड भी लोग बोल रहे हैं तो उनको भी इन्होंने कम कर दिया। तो ये सारी की सारी जो चीजें ना, ये लोग फिक्स कर रहे हैं। एंड अभी तो चलो कोई भी नहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि सभी को पता है जो गेम है अभी अर्ली एक्सेस में, लेकिन बाय चांस अगर ये होती है ऑफिशियली लॉन्च, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स होती ना, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम आती, एंड ये चीज वो लोग नहीं चाहते थे। एंड मेरे हिसाब से ये जो चीजें हैं बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखो जो ये मैक्सिमम बग्स और ग्लिचेस है ना, ये सारे के सारे अब खत्म होने वाले हैं, कुछ रह गए जो कि मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिनों में ये हो जाएंगे। एंड हम लोगों को शायद इस हफ्ते के एंड तक ही या फिर इस महीने के आखिर तक हम लोगों को पक्का ऑफिशियल लॉन्च देखने के लिए मिल सकता है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी और हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर हमें यहाँ पे 30 तारीख तक भी ऑफिशियल लॉन्च देखने के लिए नहीं मिलता है, तो फिर एक ऐसी डेट है जहाँ पे हमें पक्का ही ऑफिशियल लॉन्च देखने के लिए मिलेगा, वो है 6 जुलाई। अब 6 जुलाई क्यों है, 1.5 का ऑफिशियल अपडेट पबजी के अंदर आने वाला है, जो कि ग्लोबल है। एंड मेरे हिसाब से उसी अपडेट के साथ हो सकता है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वाले करें, मैं ये चीज हो सकता है बोल रहा हूँ, पक्का नहीं है। मोस्टली यहाँ पे चांसेस ये है कि उससे पहले ही हमें गेम देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये लोग प्लान चेंज करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे 1.5 के जो अपडेट पबजी के अंदर आने वाला है उसके साथ ही बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को ऑफिशियल लॉन्च करेंगे iOS एंड एंड्रॉइड के अंदर, तो शायद ये चीज हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी यार आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है। बट अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी जहां पे मैंने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के 7 ऐसे यूनिक फीचर बताए हैं जो पबजी मोबाइल के अंदर नहीं थे। तो ये वीडियो आप लोग जरूर से चेक करो, जस्ट इस पे क्लिक करो एंड इसको जाके देखो।